हेलो क्लास फोर्थ, टुडे वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम टू टाइप्स के होते हैं, इंडियन नंबर सिस्टम एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। और इंडियन नंबर सिस्टम को हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम भी, न्यूमेरल्स भी बोलते हैं। ओके, तो नंबर सिस्टम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि नंबर्स क्या होते हैं और न्यूमरल्स क्या होते हैं। देखिए, नंबर्स क्या होते हैं, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को काउंट करते हैं। कोई भी अगर आप चीज काउंट करते हैं, किसी चीज का मेजरमेंट करते हैं, तो आप क्या यूज करते हैं, नंबर्स। जैसे देखिए, मैं क्लैप कर रही हूं, 1 2 3 4 5, मैंने कितने टाइम क्लैप किया, 5 टाइम। तो इन चीजों को काउंट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, नंबर्स। ओके, मैंने टैप करती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने कितने टाइम टैप किया अपने लाइक्स को, 8 टाइम। तो इस तरीके से हम किसी भी चीज को काउंट करने के लिए क्या यूज करते हैं, नंबर्स। और इन नंबर्स को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, फिगर्स में भी लिख सकते हैं और किसमें लिख सकते हैं, वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। और इनको लिखने के लिए जो हम यूज करते हैं, फिगर्स का जो एक ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं, वो जो सिंबल्स होते हैं उनको बोलते हैं न्यूमरल्स। ओके, न्यूमरल्स, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर्स एंड न्यूमरल्स। यानी कि जो हम लिखने के लिए, जैसे मैंने यूज किया 5। ओके, तो 5 हमने किस तरीके से लिखा, इस तरीके से लिखा, तो ये क्या है, न्यूमरल। और जो हम किसी चीज को काउंट करते हैं, यानी कि काउंट करने के बाद जो हमारे माइंड में एक आइडिया आता है कि ये चीज कितनी है, उसके लिए हम जो यूज करते हैं, दैट इज नंबर। क्लियर? तो आगे हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम। तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम, यानी कि इंडियन नंबर सिस्टम। क्लास थर्ड में हम लोगों ने पढ़े थे नंबर्स अप टू 4 डिजिट, और अभी आगे की क्लास में हम लोग नंबर्स पढ़ेंगे अप टू 5 एंड 6 डिजिट्स। ओके, तो देखिए, हम लोगों ने इसे नंबर पढ़ा अप टू 4 डिजिट्स। क्लियर है? तो नंबर अप टू 4 डिजिट्स, पहले हम लोग एक बार पिछला जो है वो रिवीजन करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम काउंटिंग करते हैं, ठीक है, तो काउंटिंग करके देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप देख रहे हैं, जो हमने काउंटिंग की उसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, यानी कि अगर हम नेचुरल नंबर की बात करते हैं, तो नेचुरल नंबर आपको पता है कि हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं। तो सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हमारा कौन सा हुआ, 1। ओके, तो स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर इक्वल्स टू 1, तो सबसे छोटा नंबर हुआ। ओके, नेक्स्ट, अगर लार्जेस्ट वन डिजिट की अगर हम बात करते हैं, तो लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर विल बी 9। क्यों? 9 के बाद जो हमारा नेक्स्ट नंबर होगा वो क्या होगा, 9 में अगर हम 1 ऐड कर देते हैं तो हमारा, हमें नेक्स्ट नंबर पता चलेगा। तो नेक्स्ट नंबर हमारा क्या हुआ, 10। और 10 में कितने डिजिट्स हैं, 1 2 2 डिजिट्स। यानी कि हमारा स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर 1 और लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर इज 9। क्लियर? ओके, तो इस तरीके से हमारा स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या हुआ, 10। ओके, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर विल बी 10। ओके, तो इसी तरीके से अगर आप आगे काउंटिंग करते हैं, 10 के बाद 11 12 13 14, उसके बाद 20 21 22, लाइक वाइज 50 51, है ना, 90 के बाद हम काउंटिंग करते हैं, 90 91 92 93 94 95 96 97 98
99 और 99 के बाद हमारा नेक्स्ट नंबर क्या है 100। तो आप देखिए 99 में कितने डिजिट्स हैं, 2, यानी कि 2 डिजिट्स का लार्जेस्ट नंबर क्या हुआ 99, और जो उससे नेक्स्ट नंबर है यानी कि 100 उसमें कितने डिजिट हुए 3 डिजिट। तो 3 डिजिट्स जो हुए वो 3 डिजिट्स का स्मॉलेस्ट नंबर हो गया, है ना, क्लियर? यस। तो इस तरीके से आप देखिए स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर इज 10 और लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर विल बी 99, ओके, और इसका जो नेक्स्ट नंबर हुआ इट विल बी 100। अगर हम इसमें 1 ऐड करके देखते हैं, अगर हमने 1 ऐड किया तो 9 प्लस 1 10, कैरी 1, 9 प्लस 1 10, तो क्या हुआ 100, और 100 कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3, 3 डिजिट्स हैं। तो हमारा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा 100, ओके। तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विल बी 100, क्लियर। इसी तरीके से फिर नेक्स्ट हम देखते हैं 100 के बाद आप काउंटिंग करते हैं 101 102 103, है ना। तो इसी तरीके से आप आगे काउंटिंग करते जाते हैं। तो हमारा स्मॉलेस्ट तो हो गया 3 डिजिट नंबर 100, नेक्स्ट हम काउंटिंग करेंगे तो लार्जेस्ट 3 डिजिट्स नंबर, 3 डिजिट्स नंबर क्या हुआ, इसी तरीके से हम काउंटिंग करेंगे 991 992 993 993 994 995 996 999, तो 999, ओके। तो ये हमारा लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर हुआ, और अगेन जब हम इसमें ऐड करेंगे 1, तो 9 प्लस 1 10, कैरी 1, 9 प्लस 1 10, कैरी 1, 9 प्लस 1 10, तो क्या हुआ 1000, और कितने डिजिट्स हैं 1000 में, 1 2 3 4 4 डिजिट, यानी कि अगेन हमारा स्मॉलेस्ट अगर हम नंबर देखते हैं 4 डिजिट्स का तो वो क्या होगा 1000, ओके। तो लार्जेस्ट के बाद में आपका हो गया स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट्स नंबर विल बी 1000, क्लियर है। यहां तक के नंबर हम लोगों ने पढ़े थे क्लास 3rd में, तो 1000 की प्लेस, यानी कि ये हो गई आपकी क्या प्लेस है ये 1000 की, 1000, ओके। अगेन हम लोग पढ़ेंगे नंबर 4 डिजिट्स वाले के बाद में 5 डिजिट, यानी कि अगर हम लार्जेस्ट 4 डिजिट की बात करते हैं तो लार्जेस्ट 4 डिजिट के लिए आप अगेन देखेंगे, आप एक पैटर्न देख रहे हैं, लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर 9, ओके, लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर 99, ओके। तो हमारा लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर हुआ 99, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर 999, यानी कि जितने डिजिट का लार्जेस्ट नंबर पूछा जाएगा आपको उतने ही डिजिट्स का 999, 3 टाइम 9, नेक्स्ट 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर विल बी लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होगा 9999, ये हुआ हमारा लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट 5 डिजिट नंबर,
और इसी तरीके से हम लोग करेंगे नेक्स्ट फाइव डिजिट नंबर। ओके, तो लार्जेस्ट हमारा फोर डिजिट नंबर क्या हुआ, 9999। ओके, तो उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं फाइव डिजिट नंबर। तो फाइव डिजिट नंबर के लिए क्या करेंगे, आप देखिए आपका लार्जेस्ट फोर डिजिट नंबर क्या है, लार्जेस्ट फोर डिजिट नंबर इक्वल्स टू 9999। यानी कि अगर इसका हम लोग नेक्स्ट वन ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, स्मॉलेस्ट फाइव डिजिट नंबर, है ना। तो स्मॉलेस्ट फाइव डिजिट नंबर देखिए, 9+1 10 9+1 10 9+1 10 9+1 10। ओके, तो ये क्या हुआ आपका 10,000 10,000। ओके, तो इस तरीके से हमारी जो नेक्स्ट प्लेस आती है वो क्या होगी, 9999 के बाद जो नेक्स्ट प्लेस आती है वो होती है 10,000। क्लियर है। उसके बाद अगेन जब हम स्मॉलेस्ट की बात हमने की, स्मॉलेस्ट फाइव डिजिट नंबर हमारे पास हुआ 10,000, यानी कि स्मॉलेस्ट फाइव डिजिट्स नंबर विल बी 10,000। क्लियर है। उसके बाद अगेन आप फिर उसको काउंट करते हैं और उसके बाद हमारे पास आ जाता है लार्जेस्ट फाइव डिजिट्स नंबर, उसमें आपका हो गया 99,999 99,999। ओके, और फिर लास्ट अगर हम स्मॉलेस्ट सिक्स डिजिट नंबर करते हैं तो इसमें हम फिर से अगेन 1+ करते हैं और हमारे पास आएगा 9+1 0 9+1 0 9+1 0 9+1 9+1, यानी कि आपके पास क्या हुआ, 1, 10, 100, 1,000, 10,000 and 1 lakh, कितना हुआ, 1 lakh। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास हो गया 1 lakh। तो ये जो सिस्टम है जो हम लोगों ने अभी पढ़ा, ये क्या है, इंडियन नंबर सिस्टम। इंडियन नंबर सिस्टम मीन्स हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम। ओके, तो ये हमारी जो प्लेस आई है ये है 1 lakh, यानी कि आप 99,999 में अगर 1 ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाते हैं कितने डिजिट्स, 6 डिजिट्स स्मॉलेस्ट नंबर। ओके, तो इस तरीके से देखिए हम लोग प्लेस वैल्यू में अगर देखते हैं तो अगर इंडियन प्लेस वैल्यू की बात होती है तो हम किस तरीके से इसको ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास सबसे पहले वंस की प्लेस होती है, ये है वंस की प्लेस, और वंस की प्लेस में आपके पास क्या आते हैं, यहाँ पर आपके पास आता है वंस, यहाँ पर आपके पास आता है टेंस, और यहाँ पर आपके पास आ जाता है हंड्रेड्स। तो वंस की प्लेस पर, वंस की ग्रुपिंग में हम लोग लेते हैं वंस, टेंस एंड हंड्रेड। नेक्स्ट जो ग्रुप होता है हमारा वो होता है थाउजेंड्स का। ओके, तो यहाँ थाउजेंड्स में आप देखेंगे, थाउजेंड्स में हमारे पास होते हैं यहाँ पर थाउजेंड्स और यहाँ पर टेन थाउजेंड्स। नेक्स्ट हमारे पास जो प्लेस आती है वो होती है लैक्स। ग्रुप जो हम लोग करते हैं वो होते हैं लैक्स, और इसमें आपके पास आते हैं लैक एंड
10 लाइक। ओके, तो इस तरीके से जो हम लोग ग्रुपिंग करते हैं ये सिस्टम होता है इंडियन नंबर सिस्टम। और इस तरीके से अगर तो इस तरीके से हमारा वंस के प्लेस पर आप देख रहे हैं वन टाइम्स हंड्रेड और थाउजेंड्स के प्लेस पर थाउजेंड एंड टेन थाउजेंड्स। यहाँ पर आप डिजिट्स देख रहे हैं 1, 2, 3, 4। थाउजेंड्स में कितने डिजिट्स हैं? 4 डिजिट्स। 10,000 में आपके डिजिट्स हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5। 1 के बाद 4 जीरोस, 5 डिजिट्स। अगेन लैक्स, लैक्स में आप देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितने डिजिट्स हुए? 6 डिजिट्स। एंड 10 लैक्स पर हमारे डिजिट्स हो जाते हैं 7। तो अगर आपको कोई भी नंबर दिया जाता है तो हमारे 10 लाख में हो गए 7 डिजिट्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डिजिट्स। ओके, और अगर कोई नंबर आपको दिया जाता है और उसमें अगर बोला जाता है कि पुट कॉमास अकॉर्डिंग टू द हिंदू अरेबिक सिस्टम, तो क्या करेंगे आप? कोई भी नंबर होगा तो लास्ट थ्री डिजिट्स के बाद में आप यहाँ कॉमा लगाएंगे। सबसे पहले लास्ट के 3 डिजिट्स दिए होंगे, उसके बाद आप कॉमा लगाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट जो कॉमास लगेंगे वो 2 डिजिट्स के बाद लगेंगे, यानी कि हर 2 डिजिट के बाद आप कॉमा लगाएंगे। क्लियर है? तो देखिए हम लोग कोई भी नंबर लेकर के एक बार देखते हैं। अगर हमें नंबर दिया हुआ है 9, 4, 7, 6, 5, 2। ओके, तो पहले हम इसको क्या करेंगे, हम अपने प्लेस वैल्यू चार्ट में इसको अरेंज कर लेते हैं। ओके, तो देखिए हमारा वंस के प्लेस पर क्या है, यहां पर हमारा है 2। ओके, वंस के प्लेस पर 2, 5 टेंस के प्लेस पर है 6, हमारा हंड्रेड के प्लेस पर हो गया। उसके बाद 7 हमारा किस प्लेस पर हुआ? थाउजेंड के प्लेस पर। 4 10,000 के प्लेस पर हो गया आपका 4। एंड 9 इज एट द प्लेस ऑफ लैक्स। क्लियर है? तो इस तरीके से आपने इसको नंबर को अरेंज कर लिया। अब अगर हमें बोला जाता है कि इसमें कॉमास लगाने हैं अकॉर्डिंग टू द इंडियन नंबर सिस्टम, तो सबसे पहले हम इस नंबर को कैसे अरेंज करेंगे? 9, 4, 7, 6, 5, 2। तो हम पहले पीछे से नंबर्स काउंट करेंगे 1, 2, 3। तो सबसे पहले 3 के बाद कॉमा लगाएंगे, क्योंकि हमारा जो ग्रुप है वो पहला क्या है? वंस। और वंस में हमारे 3 ग्रुप्स हैं, तो 3 ग्रुप्स का मतलब हमने 3 डिजिट्स के बाद में यहाँ पर कॉमा लगा दिया। उसके बाद थाउजेंड्स में आप देख रहे हैं कितने ग्रुप हैं? 2 ग्रुप्स हैं, तो हम नेक्स्ट 2 नंबर्स के बाद कॉमा लगाएंगे। ओके, तो इससे आप लोग इजिली इसको नंबर्स की प्लेस वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकते हो। अब देखिए, यानी कि ये हमारे हंड्रेड्स हो गए, ये 1,000, 10,000 और नेक्स्ट क्या हुआ हमारा? लैक। तो अब अगर इसको आपको लिखना है, ये आपने लिख दिया इसको फिगर्स में, फिगर्स में आपने लिख करके कॉमास पुट कर लिए। और उसके बाद अगर हमको ये नंबर लिखना है वर्ड्स में, तो देखिए किस तरीके से लिख सकते हैं हम इसे। 9 किसके प्लेस पर है? लैक्स के प्लेस पर है, तो हम कैसे लिखेंगे? 9,47,000 652। 6 किसके प्लेस पर है? 100 के प्लेस पर है, तो 600 और 5 यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाई 10 50 एंड 1 के प्लेस पर 2, तो 600 50
तीन चीजें ध्यान रखनी है। एक तो ये कि फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल और बीच के सारे लेटर्स जो होंगे वो क्या होंगे, स्मॉल। और यहां पर आप जो प्लेसेस लिखेंगे उन प्लेसेस में एस नहीं लिखेंगे, यानी कि 9 लाख लैक्स नहीं होगा, 47,000 थाउजेंड्स नहीं होगा, 652। ओके, लेकिन इसमें आप ऐसे भी नहीं लिखोगे कि एंड का यूज हम नहीं करते कि 9,47,000 एंड 652। एंड का यूज भी आप वर्ड्स में लिखते टाइम नहीं करोगे, वो चीज गलत होती है। ओके, तो इस तरीके से आप अगर इंडियन नंबर सिस्टम में किसी भी नंबर को कॉमास सेट करने हैं तो आप इस तरीके से करेंगे और उसको उसके बाद प्लेस वाली चार्ट में अरेंज करके उस नंबर को उसको वर्ड्स में लिखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। ओके, टिल देन बाय बाय।